चैप्टर नंबर 10 पे अगर आप आओ ना, तो ये बेसिक अगर आप बातें देखो पेज नंबर 292 पे, तो ये बेसिक बातें लिखी हुई है उन्होंने कि वो वही राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज को डिफाइन किया हुआ है, साइन कॉस टेंजेंट क्या होता है, देख लेना बेसिक सी बातें। उसके बाद अगर आप देखो ये यूनिट सर्कल बनाया हुआ है, अब आपको थोड़ा समझ आएगा बुक ने नाम लिखा है यहाँ पे पॉइंट ऑन द सर्कल, बुक ने यूनिट सर्कल का नाम नहीं दिया, हालांकि यूनिट सर्कल अगर आप देखो रेडियस वन लिखा है, खैर चलो कोई इशू नहीं है, तो ये नाम दिया। उसके बाद उन्होंने वही जो मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे ना यूनिट सर्कल से, वो उन्होंने पूरे मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की बातें उन्होंने लिखी हुई है, तो ये पूरी जो बेसिक से उन्होंने लिखी हुई है ना एक दो पेज के ऊपर, वो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास और अभी जो है उसमें कंप्लीट करवा दी है। अब वो एक आखिरी बात है जिसपे हमारा तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, डिपेंड करता है आप लोग कितना पिक करते हो उस बात को, और वो आप लोग सीख जाओगे एक ही दफा में कि यार आप कैसे कैलकुलेटर के बगैर वैल्यूज निकाल सकते हो। ये फर्स्ट ईयर लेवल है आप लोगों का, सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चे नहीं सीख पाते। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि निकालो sin 225 डिग्री, नहीं निकाल सकता कोई, टीचर्स के अलावा बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी क्या टेक्निक है, कुछ भी टेक्निक नहीं है, यही चीजें जो आपने अभी पढ़ी है उन्हीं से आपने सीखना है कैसे आप वैल्यू निकालोगे। तो पहले तो मुझे बताओ अभी तक आप लोगों का माइंड क्लियर है, किसी का कोई सवाल हो या कोई तंग कर रहा हो तो पूछ लो, उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो निकाल रहे होते हैं ना आप ट्राइंगल के साइड से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दो, एक ही बात होती है। आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, देखो वैल्यूज जो नॉर्मली आपके पेपर में आती हैं और आप चैप्टर नंबर 10 में देखोगे सवाल आएंगे कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, बेशक आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो उसकी सेंस कुछ और है। जैसे अगर आपके पास एक वैल्यू है sin 15 डिग्री, अच्छा पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रख लो कि ये जो एंगल्स होते हैं ना जिसपे आप ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालते हो, कुछ 16-17 स्पेशल एंगल्स हैं। वो स्पेशल एंगल्स कौन कौन से हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, अभी काम आएंगे ना मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ, तो जरा नोट कर लो ये 16-17 स्पेशल एंगल है जो काफी आप लोगों के पास आएंगे, और ये स्पेशल एंगल क्यों है इसकी वजह भी आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जरा ध्यान से सब सुनना। तो सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, देखते जाओ सब, 45, 60, 90 होगा, फिर 120, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा, रीजन बताऊंगा आप लोगों क्यों लिख रहा हूँ, 135 भी होता है ना, 135, अच्छा फिर आएगा 150, अच्छा जी 180, 225, 240, 270, तो ये हो गया 10, 11, 12, अच्छा उसके बाद 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, और आखिरी ये 360 डिग्री, ये हो गया 13, 14, 15, 16। बच्चों 16 एंगल्स हैं जिनको आप स्पेशल एंगल्स कह लो। ये स्पेशल एंगल को क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो ना, तो कुछ स्पेसिफिक किस्म के राइट एंगल ट्राइंगल है जिनको हम स्पेशल ट्राइंगल्स बोलते हैं। मैं इनका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, बस आइडिया दे रहा हूँ। स्पेशल ट्राइंगल्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है 90 डिग्री, 45 और 45, इसको हम क्या बोलते हैं, 45 45 90 राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब क्यों बोलते हैं इसको, दो एंगल 45 होते हैं और तीसरा एंगल 90 डिग्री होता है इसके अंदर, ठीक है। और एक और ट्राइंगल होता है इसको आप बोलते हो 30, जो मैं आप लोगों को बहुत दफा एग्जाम्पल दिया, 60 और 90, इसको हम बोलते हैं 30 60 90 ट्राइंगल। ये दो किस्म के ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल, इसको आप टेढ़ा भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 30 बन रहा है, नेक्स्ट केस में आप एक काम करो यहाँ पे 60 बना दो, अब थोड़ा आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा एंगल है और ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको 30 बना दो, तो हल्का फुल्का छेड़खानी आप कर सकते हो, लेकिन दो किस्म के ये ट्राइंगल्स हैं। तो होता है कि जो भी ये एंगल्स है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 120, मैं एक एंगल की बात करता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, जैसे 225 डिग्री इसको ड्रॉ करते हैं, अच्छा कुछ लोग बता सकते हैं 225 किस क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा क्वाड्रेंट का भी कॉन्सेप्ट पता ही होगा आप लोगों को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो क्वेश्चन बता सकता है किस क्वाड्रेंट में 225 डिग्री होगा। थर्ड एक्सेलेंट भाई, कैसे आएगा जरा देख लेते हैं भाई, यहां तक है 90 180 180 से 45 आपको नीचे जाना है, तकरीबन दरमियान में आप आ गए, तो ये एंगल क्या होगा, 225 डिग्री। अब इस 225 डिग्री पे, ये यूनिट सर्किल की बात कर रहा हूँ मैं, 225 डिग्री पे मैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा ट्राइंगल जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप एक ट्राइंगल कंप्लीट करो यहाँ पे, ठीक है।
अब इस ट्राइंगल के एंगल्स क्या होंगे? अगर आप ऑब्जर्व करो, ये मैंने छोटा सा एंगल क्या बताया था आप लोग, तो ये 45 था, ये 180 था ना, 180 के नीचे मैं 45 किया था, तो ये 45 है, ठीक है, ये 90 है, और ये वाला भी कितना होगा, 45। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है 45, 45, 90। आप ये जितने स्पेशल एंगल्स हैं, आप इन सबको जब ड्रॉ करोगे ना, राइट ट्राइंगल बनाओगे, तो ये दो किस्म के ट्राइंगल बन रहे होंगे, या अगर आप चाहो तो तीसरी किस्म का बोल सकते हो। तो होगा है कि इन ट्राइंगल्स पे हमें वैल्यूज पता होती है, हमें पता है इन एंगल्स, इस ट्राइंगल्स में ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये रूट टू होगा। ये कैसे आती है हम बाद में कभी देख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये वन होगा, ये टू होगा, ये रूट थ्री होगा, ये हम वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, कोई थ्योरम वियरम लगा के आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो वंस अगर ये ट्राइंगल आ जाए, हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे अब ये ट्राइंगल बन रहा है, मुझे पता है ये 45, 45, 90 का है, तो मुझे वैल्यूज पता है इसकी, ये वन होगा, ये वाली साइड भी वन होगी, और ये वाली साइड रूट टू होगी। तो बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाह रहा हूँ, मेरे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब चीज मौजूद है, मैं आसानी से साइन भी निकाल सकता हूँ, कॉस भी निकाल सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को बोला था, ये 16 जो है इनको आप बोलते हैं स्पेशल एंगल। इन पे होता है कि आप आसानी से राइट एंगल बनाते हो और वैल्यूज आपके पास आ जाती है। ये आपको कैलकुलेटर के बगैर याद होने चाहिए, क्योंकि ये वो एंगल है जो बहुत दफा आएंगे। आप चैप्टर में 10 कर लोगे, आपको पता चल जाएगा ये इतने कॉमन एंगल है, बार बार आपको दिए जाएंगे। तो बार बार कैलकुलेटर यूज करने से बेहतर है खुद याद करो। और आप लोग सेकेंड ईयर करने के बाद जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो गया, एंट्री टेस्ट, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे और अगर आ गया साइन 30 डिग्री, क्या करोगे फिर? कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए मैंने बता दिया 16 एंगल है, ये अगर आपको याद हो जाए तो आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी, आप आसानी से हर चीज बता सकते हो। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंस देख ली, ये बेसिक सी बात बता दी, वैल्यूज कैसी, किसी को शौक हुआ तो गूगल कर लेना यार, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सब चीजें बताऊं, और बाकी बेसिक बातें भी देख ली। अब जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अब इन 16 एंगल्स पे आखिरी क्लास के बाद आप लोग आसानी से बता पाओगे कैलकुलेटर के बगैर कैसे। आपको बस ये बेसिक बात याद रखनी है। अब वो बेसिक बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ, किसी को पता है यहाँ पे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है? ये बात किसी को याद है या नहीं? आई एम श्योर पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं? कोई आइडिया? साइन साइन होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। कैसे? साइन थीटा किसके बराबर होता है? वाई के बराबर। साइन की वैल्यू क्या होती है? वाई के बराबर होती है ना। तो जहां जहां वाई पॉजिटिव होगा वहां पर साइन पॉजिटिव होगा। तो वाई कहाँ पे पॉजिटिव होता है? वाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो ना, उनमें एक्स और वाई आ रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो मसला ही नहीं है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वो वाले पॉजिटिव होंगे जिनमें वाई आ रहा है, क्योंकि वाई पॉजिटिव होता है ना, एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये बात तो पता होगी ना। तो वाई किस में आता है? साइन में आता है, या इसके रेसिप्रोकल में आता है कोसाइन में। कोसाइन क्या होता है? 1/y होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में या तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसाइन। थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा मुझे पहले बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में और एक स्टूडेंट के अलावा, आई गेस मेहरीन आंसर दे रही है बार बार, कोई और जरा बताओ मुझे कि थर्ड क्वाड्रेंट में, नरेश मेहरीन सर, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते हैं? कोई और स्टूडेंट बताओ जल्दी से यार, लिखने वाले काम ना क्या करो, झुकना पड़ता है। टेंजेंट क्वाड्रेंट, अच्छा आपने ये बता दी, नहीं मैं कह रहा हूँ एक्स और वाई क्या होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में? एक्स और वाई की क्या साइन होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव दोनों नेगेटिव होते हैं। हाँ अब देखो, एक्स और वाई अगर नेगेटिव है तो साइन थीटा में वाई आता है तो साइन नेगेटिव होगा, कॉस थीटा में एक्स आता है कॉस भी नेगेटिव होगा, इनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होंगे। टेंजेंट क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि टेंजेंट होता था रेशियो वाई अपॉन एक्स का, अगर वाई भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। और सेम सेंस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लगा लो, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये मैंने वो लिखे हैं जो पॉजिटिव है, इनके अलावा सब नेगेटिव होंगे, जैसे साइन और कॉसेक में बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे सेकंड फ्रेम में। तो ये बात आपको बतानी चाहिए। वंस अगर आप इस स्टेज पे आ जाओ, आपको पता चल जाए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं
ये मुझे बताओ 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, नंबरिंग ऑफ रोमन में करते हो। इसी तरह का मैं बोलूं 135 कहाँ पे लाया करता है, जल्दी से बताओ कहाँ पे। हाँ सही है, वहां तो 135 कहाँ पे लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 135 लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब ये देखो, ये बात नहीं बताओगे तो क्या सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री को, ये तो एटलीस्ट पता हो ना कि 0 से लेके 90 है, 0 से लेके 90 के दरमियान जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, तो याद रख लो 0 से 90 के दरमियान जितने एंगल है, इसी तरह 90 और 180 इसके दरमियान जितने भी एंगल होंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, 180 और 270 इसके दरमियान जितने भी एंगल्स होंगे वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड में होंगे, और 270 और 360 के दरमियान जितने भी एंगल होंगे वो कहाँ पे होंगे, फोर्थ में। देखो अगर ये बातें अगर मैं ना बताऊं तो क्या सीखोगे ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बातें पता होनी चाहिए ना, इनको नोट कर लेना सब, ये बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री है। और आपको नेगेटिव एंगल का भी पता होना चाहिए, अगर आप नेगेटिवली मूव करो, कोई स्टूडेंट जरा ट्राई करो इसको, एक ही स्टूडेंट ट्राई करता है बाकी तो नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट बता सकते हैं -225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, भाई -90 -180 ये होगा -270, तो -180 और -270 इसके दरमियान ही की -225 होगा ना, तो अगर आप नेगेटिव बात करो तो 0 से लेके -90 के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, -90 से -180 के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, -180 से -270 के एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और -270 से लेके -360 के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबको मेरी बात समझ आई है, सवाल तुम लोग पूछते सर रहे हो, और एक ही स्टूडेंट बोल रही है बाकी कोई आइडिया नहीं है, समझ आ रहा है ऊपर से जा रहा है क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये वाली बात आपको पता चल गई, ये वाली बात पता चल गई, अब आप लोगों को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, वो ये है कि आपको तीन वैल्यूज याद करनी है, इनके भी शॉर्टकट बनाए हुए लोगों ने, कोई कहता है हाथ पे याद रख लो इनको, कोई अलग बताता है, कोई शॉर्टकट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी इनको आसानी से मेमोराइज कर सकते हो। मेमोराइज क्या कर रहे हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि आपको मेमोराइज करना है, और ये इतना मुश्किल नहीं है मेमोराइज करना, तो ये है कि sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री, ये आपको मेमोराइज करना है, तीन पे वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी है। कौन सी वैल्यूज है, बड़ी इजी है, sin 30 क्या होता है 1/2, sin 45 √2/2 और sin 60 √3/2। सबसे पहली बात, सबके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो डिनोमिनेटर तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको, न्यूमिनेटर याद रखना है, sin 30 में 1 आ रहा है, sin 45 में न्यूमरेटर में √2 आ रहा है, sin 60 में √3 आ रहा है। अगर ये आपको तीन बेसिक वैल्यूज याद हैं तो आपके लिए सारी याद हो जाएंगी, ये आप समझ लो कि बाकी याद नहीं करनी है आपको, बाकी यहीं से आपने निकालनी है और ये खुद ही सारी आपको याद हो जाएंगी, बस आपको ये तीन याद होनी चाहिए, लाइफ आपकी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है हो जाएंगी याद, इतना मसला नहीं है। आपको असल में साइन और कॉस याद रखना है, साइन आप ऐसे याद रख लो, कॉस खुद ही याद हो जाएगा, कैसे, कॉस उल्टा होता है, मतलब जो sin 30 होता है ना वो cos 60 होता है, sin 45 cos 45 बराबर होते हैं, और जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, तो उसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, sin 45 cos 45 बराबर है, दोनों की वैल्यू √2/2 है, जो sin 30 डिग्री है वो cos 60 डिग्री है, तो अगर sin 30 1/2 है तो cos 60 भी 1/2 होगा, जो sin 60 है वो cos 30 होगा, अगर sin 60 √3/2 है तो cos 30 भी √3/2 हो जाएगा। अच्छा कुछ एंगल ऐसे होते हैं जिनको आप बोलते हो क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, जो आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आप लोगों को बस नाम नहीं बताया किसी ने, क्वाड्रेंटल स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ये ऐसे एंगल होते हैं जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते, जैसे 0 डिग्री ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये क्वाड्रेंट्स के दरमियान है, 0 डिग्री फोर्थ और फर्स्ट के दरमियान है, 0 360 और नेगेटिव भी आप कर सकते हो, तो 0 360 90 180 270 ये सब क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं, ठीक है, तो इन पे आपको निकालना आना चाहिए, ये बड़े इजी होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे 0 डिग्री 90 180 270 360, ये जो पांच एंगल्स हैं इन पे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, कैसे, यूनिट सर्कल पढ़ा था ना अभी, क्या पढ़ा था यूनिट सर्कल के बारे में, आपने देखा था कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, याद रख लो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस, ये तो आपको बेसिक बात ग्राफ की पता होनी चाहिए, जो चैप्टर नंबर 9 जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको ये बात पता होगी, क्या कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसकी वाई वैल्यू 0 होती है,
मैंने बता ही दिया आप लोगों को, चैप्टर नंबर 9 में बताया था, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसकी वाई वैल्यू जीरो होगी, और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसकी एक्स वैल्यू जीरो होगी। अब इससे हमें क्या नतीजा मिला? इससे हमें मिला कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसकी वाई जीरो है। वाई का मतलब क्या होता है? वाई होता है साइन की वैल्यू। वाई किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको भी लिख लेंगे। वाई बराबर होता है साइन थीटा के और एक्स बराबर होता है कॉस थीटा के। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी एंगल होगा उस पे साइन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री ये क्या हो जाएंगे? जीरो के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल अगर आप देखो, और इसी तरह साइन 360 डिग्री, चलो तीसरा भी सीख गए आप लोग। अगर आप देखो ये तीनों एंगल जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। वाई वैल्यू क्या होती है? साइन होती है। इसका मतलब साइन इन तीनों एंगल पे क्या होगा? जीरो होगा। अब रट्टा नहीं मानना आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। अगर ये पता है कि 0, 180, 360 कहाँ पे है, आपको याद ही नहीं करना कुछ, याद आपको बस ये वैल्यूज करनी है और कुछ याद नहीं करना है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बस आपका काम करेगा। वाई एक्सिस पे एक्स वैल्यू जीरो होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया। भाई इसको सीखो, कोशिश करो, ट्राई करो, इतना मुश्किल नहीं है, सीखोगे तो आएगी ना समझ, वरना फिर वो क्वेश्चन ही सॉल्व करने काबिल होगे, आगे जाके फंस जाओगे। तुम्हें वो काश वो समझ आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आगे जाके कितना मसला होता है बच्चों को। ये जो वाई एक्सिस है इस पे आपकी एक्स वैल्यू जीरो होती है। अभी मैंने बताया, अभी मैं लिखता हूँ तो कितना टाइम लग जाएगा, कि जो एक्स एक्सिस है इस पे वाई वैल्यू जीरो है, और जो वाई एक्सिस है नाम में देखो ना उल्टा याद रखो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा अब ये बता दो, शायद कोई बता दे, अगर एक्स जीरो है तो फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जीरो होगा? ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, एक्स बराबर है कॉस थीटा के, तो अगर एक्स जीरो इसका मतलब कॉस जीरो। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि वाई एक्सिस पे कॉस क्या होता है? जीरो होता है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है? 90 डिग्री तो कॉस 90, 270 डिग्री तो कॉस 270 डिग्री, ये सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जीरो कहाँ पे आपको मिलता है, तो साइन एक्स एक्सिस पे जीरो और कॉस जो है वो वाई एक्सिस पे जीरो, ये आपने सीख लिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे जाते हैं, एक्स एक्सिस पे कॉस क्या होता है? तो याद रखो जो भी एंगल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वहां पे आपको वैल्यू 1 मिलेगी, और जो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वहां पे -1 मिलेगी। वही यूनिट सर्कल का भी बताया था। इसी तरह जो भी एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा वैल्यू 1 होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं साइन एक्स एक्सिस पे जीरो होता है लेकिन कॉस के बारे में क्या ख्याल है, तो आप बोलोगे सर कॉस अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल होते हैं? 0 या 360, तो 0 कर लो या कॉस 360 कर लो, आंसर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। मैं अभी कॉस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो आपने वैल्यू 1 बोलनी है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो आपने वैल्यू -1 बोलनी है। और कॉस 180 डिग्री क्या होगा? आप कहोगे सर 180 डिग्री नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बातें आ जाए सारी। एक्स एक्सिस पे साइन तो 0 है, कॉस के बारे में क्या ख्याल है? भाई अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो कॉस 1 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो -1 होगा। तो ये देखो सारी वैल्यूज आपको याद हो रही है, ये 5 एंगल्स पे वैल्यूज आपको याद हो रही है साइन और कॉस की। वंस आपके पास साइन और कॉस आ जाए आप बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से निकाल सकते हो। बाकी क्या होंगे? टेंजेंट होगा, साइन अपॉन कॉस, बाकी तो रेसिप्रोकल ही है ना, सारे आसानी से आप निकाल सकते हो। तो साइन और कॉस आपने सुनना याद रखना। ठीक है, तो कॉस के बारे में होंगे। अच्छा अगर आप वाई एक्सिस की बात करें तो अभी देखा था वाई एक्सिस पे कॉस क्या होता है, कॉस तो 0 होता है वाई एक्सिस पे, लेकिन साइन के बारे में क्या ख्याल है? कोई स्टूडेंट बता सकता है कि साइन 90 डिग्री क्या होगा? 1 एक्सीलेंट, 1 होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और साइन 270 डिग्री? -1। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री कहाँ पे? नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो अगर आप देखो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये बेसिक बात याद रखनी है सबसे पहले कि जीरो कौन होता है। एक्स एक्सिस पे साइन 0 है तो कोई भी एंगल होगा साइन 0 ही होगा, वाई एक्सिस पे कॉस 0 है कोई भी एंगल होगा 0 हो जाएगा। अच्छा हमने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे साइन तो 0, कॉस के बारे में क्या ख्याल है? अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा तो कॉस 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो कॉस -1। इसी तरह वाई एक्सिस पे हमने देखा है कॉस तो 0 होता है, साइन क्या होता है? अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस तो 1, नेगेटिव वाई एक्सिस तो -1। नोट कर लेना, इतना मसला नहीं है इसको। तो ये पीसीएस में आप लोगों को बता रहा था, जो काम का नहीं है मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से।
ठीक है, ये बेसिक सी बातें अगर आपको समझ आ जाए ना, तो ये पांच एंगल्स तो आपको समझ आ गए। पांच एंगल्स पे साइन की वैल्यू क्या होती है और कॉस की वैल्यू क्या होती है आपने सीख ली। अब बाकी एंगल्स ही कैसे निकालोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो आखिरी कॉन्सेप्ट है। यहां तक मुझे बताओ, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में अगर मसला हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो वो पूछ सकते हैं, बाद में नहीं पूछने लग जाना। अभी कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं है किसी का सवाल, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, अभी हमने देखा था 0 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है क्योंकि वाई एक्सिस पे है। 180 पे 0 होगा, 270 पे -1 होगा, 360 पे 0 होगा। टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन आपको टाइम, जाहिर सी बात है, इतनी जल्दी आपको चीज सीखते नहीं हो, लेकिन ये टॉपिक टाइम देने के काबिल है। ये वो टॉपिक है जिसकी बहुत अहमियत है, जिसे आपका बनता टाइम देना इसके ऊपर। इसी तरह कॉस की बात की जाए, कॉस पॉजिटिव एक्सिस पे 1 होता है, 90 वाई एक्सिस पे है तो कॉस 0 होगा, 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो -1 होगा, 270 वाई एक्सिस पे है तो कॉस 0, 360 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो कॉस 1। तो ये पांच एंगल तो आपने वैसे सीख लिए। 16 में से कितने बच गए लीजिए, 11 बच गए। 11 भी निकालना बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको 3 बताने चाहिए। ये वो वाहि चीज है जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि अट्टा मारो। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज उसकी भी शॉर्ट ट्रिक भी याद रखनी है, याद तो रखना है वहां पे भी। तो बेहतर है इसको मेमोराइज कर लो, कोई मुश्किल नहीं है इसको मेमोराइज करना। तो अगर इसको मेमोराइज करो, sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। जो sin 30 होगा ना वो cos 60 होगा, ठीक है। इसी तरह sin 60 क्या होता है, √3/2। जो sin 60 होगा वो cos 30 होगा। तो ये आपने उल्टा करना है बस, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको करना है। तो प्रैक्टिस करो, आ जाइए। और 45 पे दोनों बराबर होता है, 45 पे साइन भी √2/2 होता है, ये भी √2/2। तो समझना शुरू की पांच वैल्यूज तो आपने आसानी से निकाल लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अभी बाकी अगर आपके पास एंगल है तो आप किस तरह निकालोगे, जरा उसको हम समझते हैं। दो तीन एंगल मैं आपको बताऊंगा, खुद ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर हम 120 डिग्री की बात करें, यहाँ पे हम सीखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 120 डिग्री आ कहाँ पर है। ये 90 है, 90 से आप 30 आगे जाओगे, तो 30 यहाँ पे, तो ये एंगल आपका क्या है, 120। तो सर मुझे बता सकते हैं ये वाला एंगल क्या है? 60 एक्सीलेंट, 60। कैसे भाई, ये टोटल 90 होते हैं ना, किसी भी क्वार्टर में टोटल 90 है। तो ये मैंने बताया 30 अप आ गया है, ये 90 था, 90 से 30 अप आ गया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 60 बचा, क्योंकि टोटल 90 होता है ना। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या, 60 डिग्री। आपने क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास आए ना cos 120 या sin 120, आपने क्या करना है, आपने 120 को ड्रॉ करना है। जब आप 120 को ड्रॉ करोगे ना, और जहां पे भी वो टर्मिनल साइड आपकी आ रही होगी, आप उस टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस इसके दरमियान एंगल निकाल देना। तो ये टर्मिनल साइड और इस एक्स एक्सिस के दरमियान मैंने एंगल क्या निकाला, 60 डिग्री। जो cos 120 होता है ना, वही cos 60 होता है। तो जितने भी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए, आप उसको 60, 30, 45 में कन्वर्ट कर लोगे। दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास 120 आ रहा है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर लो 60 में, जो cos 120 होगा वही cos 60 होगा, ठीक है। मजीद और बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आ जाए, कंसिडर कर लो 135, क्या करोगे? ये है 90, 90 से आपने क्या करना है, 45 आगे जाना है, कंसिडर कर लो 45 यहाँ पे। तो ये पूरा क्या हो गया, 135 डिग्री। अब मुझे बताओ ये छोटा सा एंगल कितने का होगा, इस साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान, 45 बड़ी साइड 45 है। एक्सीलेंट। तो अब बिल्कुल, अगर आप 135 पे साइन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, आप लिखोगे sin 135 डिग्री, ये बराबर है sin 45 डिग्री। तो इससे आसान चीज और क्या है, आपके पास 135 आ जाए, जितने बड़े से बड़ा एंगल आ जाए, और ये तो मैंने 360 तक लिखे हैं, आप इससे आगे भी जा सकते हो। आप रोटेट करते जाओ, दोबारा इस साइड पे आते जाओ, जैसे 135 है ना, आप 135 से आ जाओ, दोबारा घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, 360 में 135 ऐड करो, 390, 495। तो जो 135 पे वैल्यू, वही 495 पे हो गया। 495 कितना बड़ा एंगल है, कुछ भी नहीं करना है आपने, आपने बस इसको ड्रॉ करना है। जैसे वो एंगल ड्रॉ होगा, आपने देखना है छोटा सा एंगल कितने का, जितना वो छोटे से एंगल होगा उसकी वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मैं एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, किसी और क्वाड्रेंट में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 240 की बात करते हैं, 240 कहाँ पे आएगा, 90, 180। 180 से आपने अगर 240 पे जाना तो 60 नीचे आओगे, तो 180 में आपने 60 ऐड किया, तकरीबन यहाँ पे होगा, और ये आपके पास एंगल बन गया 240 डिग्री का।
आपने क्या करना होता है, आपने टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल देखना होता है। ये टर्मिनल साइड है और एक्स एक्सिस है, मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो 180 से मैं 60 नीचे गया था ना, 240 पे पहुंच गया, तो इस साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल कितना है 60। तो अब आप 240 पे क्या निकालना चाह रहे हो, आप कॉस निकालना चाहो, साइन निकालना चाहो, उसके बराबर होगा। आप लोगों को साइन 240 किसके बराबर है, साइन 60 के। माइन्यूटली सेंस में एक साइन माइनस पॉजिटिव लगाते हो, लेकिन वो लगा सीख जाओगे, वो तो बड़ा मसला नहीं। इसी तरह कॉस 240 क्या होगा, कॉस 60 के बराबर। तो अगर आपकी कन्वर्जन आ गई ना, तो फिर आपकी लाइफ ईजी है, आपको बस एक कन्वर्जन सीखनी है बस। एक आखिरी एंगल में फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके बता देता हूँ, कंसीडर कर लो इसमें से 315 देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 90, 180, 270, अब 270 से मुझे 315 पे जाना है, तो 45 आ गया, 45 के अंदर में ये कितना एंगल है, 315। अगेन अब जो छोटा सा एंगल है वो कौन सा होगा, टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना इसके दरमियान, तो ये कितने का होगा, कोई और स्टूडेंट बताना यार, 45 तो ये 45 है। ठीक है, अब आप इसमें जो भी निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉस 315 निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 45। ये टेक्निक आपको सीखनी है, ये जो छोटा सा एंगल आप निकालते हैं उसको रेफरेंस एंगल कहते हैं, नाम लिख देता हूँ ये, वो आप निकाल लो, एक कॉन्टेंटल एंगल था और एक है रेफरेंस एंगल। ये छोटा सा जो एंगल मैं बोल रहा हूँ ना, इसको हम रेफरेंस एंगल कहते हैं। मैं पहले नाम बताता तो आप लोगों के ध्यान में आता भाई यार एक नई चीज पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने वही कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का बताया, कोई भी हालांकि आपने नई चीज पढ़ ली रेफरेंस एंगल, तो आपने बस रेफरेंस एंगल निकालना होता है। ये मेरी बात सबको समझ आ गई, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। बस इस स्टेज पे आके आपके पास वैल्यू आ गई है, बस आपने एक आखिरी चीज डिसाइड करनी है, क्वाड्रेंट कौन सा। अब देखो अगर एंगल 120 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप अपनी तरफ से नेगेटिव लगा देना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर बात, अगर आप यहाँ पे आओ 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहता है, साइन 135 साइन 45 के बराबर ही होगा। यहाँ पे बात करते हैं कि 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव लगा दो। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, आप नेगेटिव लगा दो। आखिर इसकी बात करते हैं, 315 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहने दो। दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। कैसे है? कॉस 315 क्या होता है, जो कॉस 45 है, कॉस 45 क्या है, रूट टू अपॉइंट टू, आपके को कॉस 315 क्या है, रूट टू अपॉइंट टू, पहली बात सर नेगेटिव ये तो साइन 240 के साथ आएगा ना, साइन 240 के साथ आएगा, बिल्कुल नहीं लगाया मैंने, ये कॉस 240 के आपने साथ भी आएगा ना, 60 के साथ लगाया, 60 के साथ तो नहीं आएगा ना। नहीं मैंने यहाँ पे साइन 240 की वैल्यू निकाले ना, तो साइन 240 की जो वैल्यू है वो आपको साइन 60 देगा, लेकिन साइन 60 तो पॉजिटिव आएगा ना, तो असल में तो साइन 240 नेगेटिव होना चाहिए ना, तो ये चीज आपको पॉजिटिव देगी, साथ मैंने माइनस सिक्स लगाया क्योंकि मैं साइन 240 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मैं साइन 60 की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। ओके थैंक यू। बताइए बताइए, या वैसे बोल दिए, थैंक यू। जी जी आ रही ठीक, क्योंकि आप वैल्यू 240 की निकाल रहे हो, तो ये माइनस 240, क्योंकि देखो आप जो कन्वर्ट कर रहे हो ना, आप 45 60 30 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं, तो साइन 60 कॉस 60 कॉस 60 कॉस 40 सब पॉजिटिव ही होंगे, तो नेगेटिव कहाँ से आएगा फिर। तो अगर 315 है, आप खुद देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो अपनी तरफ से पॉजिटिव लगा दो। 240 थर्ड क्वाड्रेंट है, भाई थर्ड में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो अपनी तरफ से नेगेटिव लगाऊंगा, क्योंकि ये चीज तो हमेशा मुझे पॉजिटिव आंसर देगी। तो बस आपकी वैल्यूज आ गई है सारी, साइन 135 क्या होता है, साइन 45 के बराबर, साइन 45 क्या है, रूट टू अपॉइंट टू, आ गई वैल्यू। साइन 240 क्या होता है, साइन 60, साइन 60 क्या है, रूट 3/2, माइनस लगाओ तो माइनस रूट 3/2। तो ये वैल्यू जो आपने सामने लिखी हुई है, एटलीस्ट मैं वो लिख देता हूँ, जैसे 120 पे हमने किसकी वैल्यू निकाली है, कॉस की निकाली है, क्या होता है, माइनस कॉस 60, कॉस 60 क्या है, कॉस 60/2, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। फिर और 315 पे निकालिए, 315 पे किसके बराबर होता है, कॉस 45, कॉस 45 √2/2, तो 315 का आंसर क्या आ जाएगा, √2/2। साइन 135 की निकालिए, साइन 45, साइन 45 √2/2 होता है, ये भी वैल्यू आ गई। और कौन से निकालिए, 240 में साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2, माइनस लगा दो, माइनस √3/2, कॉस 240 होता है, माइनस कॉस 60, कॉस 60 क्या होगा, 1/2। मेरी तो प्रैक्टिस है ना, देखो आप लोगों की प्रैक्टिस बनेगी,
इतने जल्दी तो आप सीखोगे ना चीज, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। कॉस एक्स 1/2 होता है, माइनस लगा दो, -1/2 बोर्ड पे जितने लिखे हुए वो हमने कर लिए। तो बाकी मैं टेबल को फिल कर देता हूँ। जो साइन 120 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 मैं फिल कर देता हूँ, बाकी आप लोग देखेंगे। 150 पे क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है, 1/2। अच्छा जी, 225 पे जब आप रेफ, 225 मैंने करवाया तो था कहीं, चलो 225 पे रेफरेंस एंगल जब आप बनाओगे 45 डिग्री का बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो इससे नेगेटिव। अच्छा जी, और कौन सा बचा, 300 पे रेफरेंस एंगल 60 डिग्री बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा √3/2। अच्छा ये हो जाएगा -√2/2, ये हो जाएगा -1/2। अब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह फास्ट हो जाओगे, बस प्रैक्टिस चाहिए। 135 पे देखो ये दोनों बराबर होंगे, बस नेगेटिव का फर्क होगा क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2 लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा अगेन 225 पे बराबर होंगे और दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, और कौन सा बचा है, 40 to 70 हो गया, 300 पे बचा है ना, तो 300 पे क्या हो जाएगा, -1/2 नहीं, फोर्थ क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव होता है। और आखिरी है ये 315 पे थी, 330 पे क्या होगा, √3/2 और पॉजिटिव होगा। ये टेबल आपने फिल कर लिया, तो इसको जाके प्रैक्टिस करना, टाइम मिले इंशाल्लाह आप लोग सब चीजें सीख लोगे। और वंस अगर आपके पास साइन कॉस आ जाए आप हर चीज निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको तो बोले कि यार आप निकालो टेंजेंट 240 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, तो आपको साइन और कॉस आना चाहिए, जो साइन और कॉस की वैल्यू उसको डिवाइड कर दो। अब इस पर टाइम लगेगा, लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसी आप यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे हो जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है आपके पास, अगर आपको टेक्निक नहीं आती। अगर टेक्निक आती होगी 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर आसानी से निकाल लोगे, लिखना ही है ना कुछ। टेंजेंट 240 क्या होगा, sin 240 / cos 240। sin 240 की वैल्यू आपने क्या देखी है, sin 240 होता है -√3/2, आप लिखोगे -√3/2 डिवाइडेड बाय cos 240 क्या होता है, -1/2, नीचे -1/2 आ जाएगी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट बचेगा √3। अब थोड़ा तरीके से लिख लेना इसको, तो टेंजेंट 240 क्या हो जाएगा, √3 के बराबर। टाइम लगेगा लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे आप निकाल सकते हो। ये मैंने टेंजेंट निकाला, कॉट क्या होगा, उल्टा कर दो cos/sin। सेक क्या होगा, सेक होता है 1/cos। तो बिलफर्ज अगर आपके पास cos 240 है तो sec 240 क्या हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू है ना cos 240 है -1/2, तो sec 240 क्या हो जाएगा, 2/-1, उल्टा कर दो। इसी तरह cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे वंस अगर आपके पास ये सब चीजें आपको बताऊं, साइन और कॉस आपको बताऊं। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल में आज की क्लास में यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री की जितनी, एक सेकेंड बैठ लो, ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी बेसिक्स बातें थी ना वो हमने कवर कर ली है, जो हमें पहले से पता होनी चाहिए थी। अब अगर ज्यादातर बातें तो आप लोगों को पहले से पता नहीं होंगी इसमें, वो हमने सारी यहाँ पे कवर कर ली है। कुछ बेसिक बातें भी देख ली, क्वाड्रेंटल एंगल, रेफरेंस एंगल। अच्छा एक और भी होता है जो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उसको जवाब दिया था, उसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल वो होते हैं जिनकी सेम टर्मिनल साइड हो, जैसे वो नेगेटिव और पॉजिटिव का था ना, जैसे वो मैंने एंगल बनाया था कि बिलफर्ज अगर एंगल कहीं यहाँ पे है तो आप उसको क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। कंसिडर कर लो 225 डिग्री है, तो अगर इधर से आओगे तो ये बनेगा -135 डिग्री। तो 225 डिग्री और -135 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल है, क्यों, सेम ही टर्मिनल साइड है, तो ये एंड हो रहे हैं सेम ही लाइन के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो आप इनको बोलते हो को टर्मिनल एंगल। तो ये भी आपने एंगल देख लिया, क्वाड्रेंटल एंगल देख लिया, रेफरेंस एंगल देख लिया, और ये सब एंगल जो है ना इनके लिए बुक ने भी वर्ड यूज किए, आखिरी बस है सदन ही आप लोग पढ़ोगे, वो है स्टैंडर्ड पोजिशन एंगल क्या होते हैं, ये सारे बनाए हुए सारे स्टैंडर्ड पोजिशन एंगल है। कैसे, स्टैंडर्ड पोजिशन एंगल की शर्त क्या है कि जो इनिशियल साइड है, मतलब आपने जो एंगल स्टार्ट करना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। आप देखो सारे स्टार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होते हैं, जितने भी एंगल है, चाहे आप एंटी क्लॉक चाहे क्लॉक में, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप स्टार्ट कर रहे हो, सारे एंगल जितने भी मैंने बनाए, पहली बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप स्टार्ट कर रहे हो और उनका जो वर्टेक्स होता है ना एंगल का, वो ओरिजिन के ऊपर होता है। अगर आप देखो जैसे ये स्टार्ट यहां से हुआ है एंड यहाँ पे हुआ है, तो ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन के ऊपर है, जो कि हर एंगल का आपने देखा है यहाँ पे। तो ये सिंपल स्टैंडर्ड पोजिशन होता है कि स्टार्ट वो एक्स एक्सिस से हो और जो एंगल का वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर हो, जो कि सारे एंगल्स का वो नजर आता है। तो सबको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड पोजिशन एंगल। अच्छा बच्चों, कल मैं जब एडिटिंग कर रहा था ना,
मेरे सामने जब वो आप लोगों को जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसे मैंने आप लोगों को 16 स्पेशल एंगल्स के बारे में बताया था। तो वो एक्चुअली जिन्होंने कल की क्लास ली है उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बोलने लगा। वो एक्चुअली 16 नहीं है, 17 है, जो मैंने मिस कर दिया था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वो था 210 डिग्री। मैं 180 डिग्री के बाद फौरन मैंने 225 डिग्री लिख दिया था, हालांकि 210 डिग्री भी आप मालूम कर सकते हो। अच्छा, कल जो मैंने पूरी क्लास में आप लोगों को बताया थे ना 16 17 जो एंगल्स हैं, इन पे आप मालूम इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि जो मैंने दो ट्राइंगल आप लोगों को बताए थे वो ट्राइंगल की आप आसानी से लेंथ निकाल सकते हो, अलग टॉपिक है कैसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई और ट्राइंगल है जैसे बिल्कुल अगर यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल 29 डिग्री आ रहा है, कंसिडर कर लो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे कितना होगा 61 डिग्री। अगर यहाँ पे 29 एंगल है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 61, ताकि ओवरऑल सम जो है वो किसके बराबर हो 180 डिग्री के बराबर हो। तो अब ऐसे रैंडम एंगल जो है ना इस पे आप ट्राइंगल की वैल्यूज मालूम नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर लेंथ इनका क्या आपस में होगा। तो दैट्स वाई जो हमने 17 एंगल्स पढ़े थे ना ये वो एंगल्स हैं जिन पे आप आसानी से ट्राइंगल बना के वैल्यूज निकाल सकते हो, जो मैंने आप लोगों को कल याद करवाई थी। कुछ और एंगल जैसे 29 आ जाए, 28 आ जाए, 15 आ जाए, इन पे आप नहीं निकाल सकते। तो अब फिर क्या करते हैं, हालांकि अगर आप कैलकुलेटर में पुट करो साइन 15 डिग्री तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, तो कैलकुलेटर को कैसे पता चला। तो ये जो बाकी एंगल्स है ना अदर देन 16 17 एंगल्स, इनको हम अप्रोक्सीमेट मालूम करते हैं। अब ये अलग टॉपिक है, सेकंड में भी आप लोग पढ़ोगे कि अगर साइन 29 डिग्री आपको निकालना है तो आप अप्रोक्सीमेशन करते हो। लेकिन आजकल के जमाने में इतनी इंप्रूव होगी अप्रोक्सीमेशन कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो जो कैलकुलेटर है ना ये बेस कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, वरना कैलकुलेटर जब नहीं थे तो फिर क्या होता था। तो हमें पता है हम कॉपी पे निकाल सकते हैं, इसके टेबल्स भी आते हैं, अगर आप देखो आपको गूगल या इन पे टेबल्स मिल जाएंगे, उन्होंने 0 से लेकर 90 डिग्री तक सब एंगल्स की वैल्यूज निकाली हुई होती है। तो वो अप्रोक्सीमेशन पे वर्क कर रहे होते हैं और वही एल्गोरिथम आपका कैलकुलेटर में काम कर रहा है, तभी आप कैलकुलेटर में 15 डिग्री पुट करो साइन की कॉस की वैल्यूज आपको बता देती है। तो वो जो 16 17 एंगल्स थे ना उनके आपको कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो आप ट्राइंगल बना के सॉल्व कर लिया करते थे। जिन दो ट्राइंगल का मैंने कल जिक्र किया था उनको स्पेशल ट्राइंगल बोलते हैं, 45 45 90, 30 60 90 वाला। तो दैट्स वाई उनको स्पेशल एंगल इस वजह से बोला गया था, बाकी एंगल जो है उनको आप रैंडमली ट्रीट करते हो। तो 210 जो है ना उसको भी शामिल कर लेना, कल मैंने मिस कर दिया था, ये भी अपने पास शामिल कर लेना। और इसकी वैल्यू अगर बिलफर्ज निकालनी हो तो जो कल स्टूडेंट है मैंने उनको बताया था, तो तरीका मैंने क्या बताया था, ये हो गया 90 180 180 के बाद आपको 30 नीचे आना है, कंसीडर कर लो 30 यहाँ पे। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा बच्चों यहाँ पे 60। अल्लाह खुद, देखो ये गलती एक और स्टूडेंट ने भी की थी, पता नहीं आप ही हो या किसी ने मुझसे प्राइवेटली पूछा था। जब ये 210 डिग्री उसने बनाया था ना, ये बनाने के बाद उसने रेफरेंस एंगल इस तरह निकाला हुआ था, ये बोला था खैर ये 60 डिग्री है। तो मैंने उनको भी ये बात बोली थी, आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ये जो रेफरेंस एंगल हम निकाल रहे हैं ना ये हम एक्स एक्सिस से निकालते हैं हमेशा, वाई एक्सिस से कभी नहीं निकलता रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, ये वाली साइड और एक्स एक्सिस, रेफरेंस एंगल आप ऐसे ही निकालते हो। चार पॉसिबिलिटी है ना, या तो ये वाली साइड यहाँ पे हो जहां पे एंगल एंड हो रहा होता है ना, या ये यहाँ पे हो, या ये यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, चार क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, पहले वाले क्वाड्रेंट में ये रेफरेंस एंगल है इस वाली साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान। इसी तरह अगर आपके एंगल यहाँ पे, मतलब कंसीडर कर लो एंगल इस तरीके से बन रहा है आपका, तो रेफरेंस एंगल क्या होगा इस वाली लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान, हमेशा एक्स एक्सिस के दरमियान रेफरेंस एंगल होता है। अगर आपका एंगल पूरा घुमा के यहाँ तक बन रहा है तो अब रेफरेंस एंगल क्या होगा, ये छोटा सा, आपने हमेशा एक्स एक्सिस से बनाना है। तो ये जो है ये रेफरेंस एंगल नहीं कहलाया जाएगा, ये तो आपने वाई एक्सिस से बनाया है, तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल, ये रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो अगर आपको 210 पे वैल्यू निकालनी है, बिलफर्ज अगर आपको बोला जाए कि साइन 210 निकालो, तो विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालोगे, ये बराबर होगा साइन 30 डिग्री के, ठीक है। अब बस आपने देखना है कि क्वाड्रेंट में थर्ड में, तो डेफिनेटली थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, साइन 30 होता है 1/2, नेगेटिव लगा दो तो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो एंगल था जो मैंने लास्ट क्लास से मिस कर दिया था, ठीक है। और ये जो 16 17 एंगल्स है ना अगर आप गौर करो तो ये 30 और 45 के टेबल में आते हैं। जैसे 30 का अगर आप टेबल पढ़ो, 31 30, 32 60, फिर 90 120 150, 180, फिर 210 240 270, 300 330 360, ये सारे 30 के टेबल में आ रहे होते हैं। और कुछ ऐसे इसमें से एंगल्स हैं जो 45 के टेबल में आ रहे होते हैं, जैसे 45 90, अच्छा कॉमन भी है, जैसे 90 45 के टेबल में भी आ रहा है, 30 के टेबल में भी आ रहा है। तो 45 90 फिर 135 भी आपने कल पढ़ा था,
135 के बाद 180, फिर 225, 270, 315 और 360। तो कहने का मतलब ये 16-17 एंगल्स जिन पे मैंने बताया था कल वैल्यूज, ये 30 और 45 के टेबल में आ रहे होते हैं।